हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी TSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा UP TSSC आयोग में मीटिंग, जी हां, UP TSSC में आज आयोग में मीटिंग होनी थी। जी हां, वो मीटिंग अब शुरू हो चुकी है। मीटिंग में किन किन बातों पे बहस होनी है, चर्चा होनी है, जो हमें खबर प्राप्त हो रही उस पर हम बात करेंगे। वीडियो के रिजल्ट व लोअर वीडियो के रिजल्ट पे चर्चा होगी कि इसका रिजल्ट कब तक दिए जारी किया जाएगा। उसके बाद लोअर टू के जो परीक्षा है उस पर जो सूचिता का एम रखना है, उन सब कुछ चीज़ों को आउट होने से, जैसे कि पिछली बार पेपर आउट हो गया था, उन सब चीज़ों को ध्यान में लेकर उन सब चीज़ों को बचाना। उसके अलावा युवा विकास कल्याण अधिकारी के जो फिजिकल की डेट है उसको भी फिक्स करने की चर्चा आज मीटिंग में होनी है। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट व मंडी परिषद पे जो रिवाइज आंसर की होनी है उस पर भी अंतिम मोहर लगनी है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि क्या है डिटेल्स में आज की मंडी परिषद जो मीटिंग हो रही है उस पर किन किन बातों पर अलग अलग चीज़ों पे चर्चा हो रही होने की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारी सिस्टर का एक चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। आपको इसी तरह की न्यूज उनको अलग अलग मिलती है, आपको मनोरंजन से संबंधित सारी सामग्री वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें कि UP TSSC में आज मीटिंग शुरू हो गई है। 12:30 बजे से मीटिंग ये शुरू हो गई है। और आयोग ने मीटिंग जब शुरू होने से पहले क्या क्या मुद्दे, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो का रिजल्ट आयोग ने कहा था कि वो आपका जुलाई के सेकंड वीक पे ही दे देंगे, लेकिन अभी उम्मीद थी कि कल या आज ही रिजल्ट देने की, लेकिन इस पर अभी मोहर कुछ देर में ही मोहर लग जाएगी। जैसे ही अपडेट आएगा कि क्या फैसला लिए गए हैं तो उस पर हम आपको बता देंगे क्या फैसला हुआ है और कब तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आज या कल तक में आपका रिजल्ट निश्चित रूप से वीडियो का आ जाएगा, ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आयोग की मीटिंग में भी ये फैसला लिया जाएगा कि आज या कल तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं लोअर टू की परीक्षा होनी है 28 तारीख और 28 जुलाई को, उस पर फैसला होगा कि शुचिता का ध्यान रखा जाए, पेपर आउट जो हो रहे हैं इसको रोकने के लिए तथा पेपर को पूरी तरह से पारदर्शी कराया जाए, इसलिए भी मीटिंग में चर्चा होगी कि कितना अधिक अधिक पारदर्शी परीक्षा को बनाया जाए। युवा विकास कल्याण अधिकारी की बात करें तो युवा विकास कल्याण अधिकारी का रिजल्ट काफ़ी पहले आ गया है, लेकिन अभी तक इसका जो फिजिकल की डेट पिछली बार मई में लगी थी लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया था, चुनाव की वजह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसकी डेट अगस्त महीने में लग सकती है निश्चित रूप से। तो ये अगस्त में आपका फिजिकल युवा विकास कल्याण अधिकारी का शुरू हो सकता है, इसी पर आज अंतिम मोहर लग सकती है। वहीं जूनियर असिस्टेंट जो कि बैकलॉग की परीक्षा हुई थी उस पर भी, जो बैकलॉग की परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट के बारे में भी आज चर्चा हो सकती है। वहीं जूनियर असिस्टेंट की जो 2016 की भर्ती थी जो कि अभी 31 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था जिसका, वहीं मंडी परिषद को 30 तारीख को जिसका एग्ज़ाम हुआ था उस पर आज ये फैसला हो सकता है कि क्या इसका जो रिवाइज आंसर किया उस पर चर्चा हो सकती है और इसको बहुत जल्दी जारी किया जा सकता है। तो रिवाइज आंसर की जूनियर असिस्टेंट व मंडी परिषद की जल्दी जारी हो सकती है आपका, और ये जारी होते ही आपका निश्चित रूप से रिजल्ट पे अंतिम रूप से काम होने लगेगा। तो उम्मीद, बड़ी उम्मीदें आयोग की आज की मीटिंग में है। सबसे बड़ी उम्मीद है तो यहाँ पे वीडियो के रिजल्ट की है तथा युवा विकास कल्याण अधिकारी के फिजिकल डेट की, क्योंकि ये दोनों काफ़ी पुरानी भर्तियाँ हैं। हालांकि जूनियर असिस्टेंट की और पुरानी भर्ती है, लेकिन यहाँ पर अभी रिवाइज आंसर की तैयार हो चुकी है, उसी पर आज चर्चा होना है कितने नंबर पर क्या होगा, कितने नंबर पर मार्क्स दिए जाएंगे सबको या कितने क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे, तो इस पर चर्चा होनी तय है लगभग। तो वहीं मंडी परिषद में भी एक अच्छी खबर अभ्यर्थियों के लिए यही है कि मंडी परिषद में भी रिवाइज आंसर किया जाएगा। तो सबसे बड़ी अभ्यर्थियों के लिए, लाखों अभ्यर्थियों के लिए वीडियो का रिजल्ट की खबर यहाँ पे आ सकती है। तो चलिए देखते हैं, आपसे कुछ देर में जैसे ही मीटिंग खत्म होगी हम आपके लिए अपडेट लेके आएंगे क्या क्या फैसले हुए हैं और कौन कौन सी नोटिसें अगले 1-2 दिन में आने वाले में जारी हो सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।